सिरी, ये तस्वीरें मेरे बॉयफ्रेंड को भेज दो। ओके, फोटोज भेज रही हूँ वर्क फ्रेड को। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे ओ यार नहीं, क्या ये रेचल है, हमारी बॉस रेचल? क्या बात है, ये तो रेचल है। क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? नहीं, उन्होंने तुझे गेम के लिए बुलाया है। कौन सा गेम? सुन मेरी बात, जब वो मुस्कुराए तू मुस्कुराना, जब वो फ्लर्ट करे तू भी करना। तू एक बहुत बड़ी लीग में पहुंच गया है, तेरी बॉस तुझे चाहती है। रेचल आ गई है। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग मिस ब्राउन। फ्रेड, फ्रेड, तुमने इसे काफी स्टफल कर दिया है। फ्रेड, फ्रेड, तुम मुझे मेरे केबिन में मिलो। हाँ श्योर, आता हूँ। मुझे इंतजार रहेगा। हाँ ठीक है। उन्हें तेरा इंतजार रहेगा, ये समझ रहा है तू? हे फ्रेड, अंदर आ जाओ। तुम कॉफी पीना चाहोगे? नहीं थैंक यू। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? क्या व्हिप्ड क्रीम? मुझे पसंद है जब मैं घर पर होता हूँ। अकेले। ओके ओके, प्लीज बैठो। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, यू नो। जानते हो फ्रेड, एक ऐसी खबर है मेरे पास जिसको सुनकर तुम पागल हो जाओगे। क्या हुआ, तुम्हें केले भी पसंद नहीं है? मुझे तो पसंद है जब मैं घर पर होती हूँ। अकेले? हाँ। देखो फ्रेड, मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट पढ़ी और कहना पड़ेगा मुझे लगा जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ तुम्हारे उन सारे आइडियाज और सजेशंस की वजह से। और मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि अगर तुम अच्छा करते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो कैसी रही तुम दोनों की मीटिंग? मैं उसके ऑफिस में था, उसके पास वो क्या कहते हैं, क्या होता है वो, मिल्क फ्रॉदर था वो, उसके साथ कुछ ऐसे कर रही थी। हाँ? क्या इस तरह? फिर उसने, बोल। उसने कहा, जरा अपनी ओर देखो, तुम यहाँ ऐसे खड़े हो बिल्कुल मजबूती से और कितने तैयार लग रहे हो उस पोजीशन के लिए जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। डैम रेचल, ओए, वो मुझे सेड्यूस कर रही है। अबे सेड्यूस नहीं, वो तुझे चाहती है। याद भी है पिछली बार ऐसा कब हुआ था? कभी नहीं। ये हरासमेंट है। हरासमेंट ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? क्या ये एक स्टार है? क्या ये एक प्लेन है? नहीं, ये एक काउच है।
इमेजिन कीजिए एक काउच जो कि दूरियां कम कर सकता है, एक बॉस और उनके एम्प्लॉयज के बीच, ताकि 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 उनके बीच बेहतर और गहरा मजबूत कनेक्शन बन जाए। यही कहना चाहते हो ना फ्रेड तुम? क्योंकि ऑफिस की जिंदगी सिर्फ काम के बारे में नहीं होती है, इसमें शामिल होते हैं रिलेशनशिप्स। और किसी से रिश्ता बनाने का कोई और बेहतर तरीका नहीं सिवाय इसके कि हम एक दूसरे से खुलकर बात करें अपने दिलों की। जैसे कि वो बात हो सकती है कॉफी के बारे में, व्हिप क्रीम के साथ। हाँ बिल्कुल, पर ऐसा किसने कहा कि दूरियों को मिटाना जरूरी है? सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रह सकता? या बेहतर होगा कि आप अपने आसपास के लोगों को गहराई से समझें। हाँ, यही बात हार्वी वाइनस्टीन ने सभी औरतों से कही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर भरोसे की बात करें तो हाँ, और उस भरोसे के साथ जो फीलिंग्स आती हैं वो जैसे कि ओके प्लीज मेरे साथ यहाँ आकर बैठो। लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने तुमसे जबरदस्ती कहा या तुम पर कोई दबाव डाला, यहाँ बैठना क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा है। प्लीज क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? मुझे स्टार वॉर्स मूवीज पसंद है। और मुझे टाइटैनिक। जानते हो मैं जब भी वो मूवी देखती हूँ तो हमेशा रोने लगती हूँ। हाँ मुझ पर भरोसा करते हो फ्रेड? मैं आप पर भरोसा करता हूं रेचल। तो मुझे उड़ना सिखाओ जैक। अपनी आंखें खोलो रोज। मैं सोच रहा था एक ऐसी पोजीशन के बारे में जिसमें आप मुझे डालना चाहती हैं। देखो फ्रेड, असल में मैं तुम्हें एक ही पोजीशन में नहीं देखती हूँ। मैं तुम्हें बहुत सी पोजीशंस में देखती हूँ। हम बाकी भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ। पहली या दूसरी, मैं काफी फ्लेक्सिबल हूँ। मेरा मतलब शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मेंटली। तो मैं तैयार हूँ उन सब एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जो भी आप कहें, प्यार के लिए कुछ भी।
कुछ भी मतलब सब कुछ नहीं, लेकिन मैंने काफी कुछ ट्राई किया है। काफी मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखिए। ये देखिए, सुनो, ये सब काम के बारे में बात हो रही है ना? क्या आप तब से काम की बात कर रही थी? सच में? ओ हाँ, शुरू से ही। ओ, तो तूने क्या कहा? मैंने कहा ओके और आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं, इससे भी बुरा हो सकता था। अच्छा हुआ तूने अपना सारा हुनर नहीं दिखाया केले के साथ। लेकिन उन्होंने अपनी वैसी तस्वीरें भेजी थी, है ना? हाँ, लेकिन हमने उन्हें गलत समझ लिया। ओ, क्या पता वो गलती से हुआ हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सब एक गलती नहीं हो सकती, हर चीज के पीछे एक वजह होती है। यहाँ पे कोई चुंबक है क्या? क्योंकि मुझे आकर्षण महसूस हो रहा है। ये क्या कर रहे हो? ये मेरा ऑफिस है, दूर रहो। तुम मुझसे एक हफ्ते से नहीं मिली और ये कोई तरीका है मुझसे मिलने का? ओके, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। और दूसरी बात, तस्वीरें भेजी थी ना, हाँ, क्या वो काफी नहीं थी? भेजे होते तो ना, तुमने मुझे यूं ही छोड़ दिया। क्या? हाँ, अपना फोन देखो। कम ऑन, मैंने भेजे थे। ये नहीं हो सकता। अरे नहीं, वो न्यूज़ गलती से नहीं आए थे। ओह माय, ये अजीब आदमी कौन है? फ्रेड, मैं वही हूँ जिसके साथ ये काउच पर बैठी थी। वही काउच जिस पे हम साथ बैठते थे? वो पीला वाला? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो रेचल? क्योंकि अगर ये सच है तो शट अप। खबरदार, अगर तुमने इनसे ऐसे बात करी तो। व्हिप क्रीम, कोई एक्सीडेंट नहीं थी। वो केले, वो भी एक्सीडेंट नहीं थे। और टाइटैनिक भी, वो भी बेवजह नहीं था। हाँ, क्या तुम दोनों ने साथ में टाइटैनिक देखी? अरे हम तो टाइटैनिक पर साथ में खड़े थे। लगता है जैसे हम दोनों साथ में उड़ रहे हैं। लगता है जैसे हम दोनों साथ में उस जहाज पर हैं रोज। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो शर्माना बंद करो। मैं नहीं शर्मा रही, मैं कभी नहीं शर्माती। तो घबरा क्यों रही हो? ये नहीं घबरा रही, मैं सच में नर्वस हूँ। क्या? सच में? हाँ, मैं सच में नर्वस हूँ। क्या तुम भी घबरा रहे हो? हाँ, मुझे भी ये महसूस हो रहा है। तुम दोनों को आखिर हो क्या रहा है? मुझे लगता है I love you। हानी, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी हॉट स्कर्ट से, तुम्हारी सुंदरता से और तुम्हारे स्ट्रेच से। तो तुम बताओ कि मुझे प्यार करती हो? हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। हे रेचल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जबरदस्ती कहना पड़े तो वो कैसा प्यार? हाँ, प्यार थोपा नहीं जाता। फ्रेड, रेचल, रेचल, फ्रेड, ओह नो, तुम दोनों ये मेरे जैसे लड़के के होते हुए तुम ये देखिए अपने रोमियो और जूलियट को, ये दोनों सिरी, लास्ट फोटो को माय बॉय को भेज दो। लास्ट फोटो माय बॉस को भेजा जा रहा है। ओह नहीं 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 नहीं
बॉस, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ स्टेसी, अंदर आओ। मैंने तुम्हें एक डिफिकल्ट मैटर के लिए बुलाया है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे और मिस्टर रीड को प्रोजेक्ट के बारे में अपना आइडिया भेजा था। और मुझे आशा थी कि वो आपको पसंद आएगी। दरअसल मुझे ये आइडिया उतना खास नहीं लगा, लेकिन कुछ कारण से मिस्टर रीड इस पे इंटरेस्टेड हैं, तो वो तुम्हें मेरे साथ इस प्रोजेक्ट का कोलीड बनाना चाहते हैं। ओह, ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए इतना कुछ किया है। सिवाय एक चीज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। जब मुझे ये बताया जाएगा तो मैं ऐसे बिहेव करूंगी जैसे पहली बार सुना है। स्टेसी, नहीं, तुम इसे मना करोगी। क्यों? लेकिन इसका मतलब तुम ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगी। लेकिन रुकिए, ये पोजीशन में आना मेरा सपना था और आपको पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है। स्टेसी, 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 मैं जो कह रहा हूं उसे तुम्हें सुनना चाहिए। नहीं तो क्या? आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मैं आपकी एम्प्लॉय नहीं रहूंगी, इसलिए आप तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये प्रोजेक्ट मेरे बराबर आकर चलाओगी? इतनी बेवकूफ मत बनो। एडवाइस के लिए शुक्रिया। नाइस बॉडी, मुझे पता नहीं था। मिस्टर स्टुअर्ट, ये गलती थी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मेरे फोन में कुछ कॉन्टैक्ट्स मिक्स्ड हो गए थे, मैंने तुरंत ही डिलीट कर दिया था, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। मैंने नहीं किया, मैंने इसे सेव कर लिया। और किसे पता है कि अगली बार ये गलती से किसके पास चले जाए। तुम्हें वो जॉब वैसे भी नहीं मिलने वाला है डियरी, या तो तुम खुद से मना कर दो या तुम्हें शर्मनाक तौर पे उस प्रोजेक्ट से निकाला जाएगा। जाओ और इसके बारे में सोचो। तो इस तरह हम क्लियरली देख सकते हैं कि बिजनेस की लाइन द्वारा फंडिंग कैसे काम करती है। हम इनमें से कुछ स्पेसिफिक किस्से में माइक्रो प्रोसेसर्स को कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर में। स्टेसी, इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को बनाने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना ये मैं कैसे करता। You're welcome. ये तो मेरा काम। नहीं 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 नहीं, तुम अपने काम से कहीं ज्यादा करती हो। तुम्हें पता है इतने सालों में मैं हमेशा तुम्हारे भरोसे रहा हूँ, और तुमने मुझे कभी भी इस कंपनी के लिए तुम्हारी डेडिकेशन पर सवाल उठाने का मौका नहीं दिया है। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि तुम मेरे प्रोजेक्ट की को लीडर बनोगी। अब तुम खुश हो सकती हो। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर रीड। ओह, लेकिन मुझे ना कहना होगा। ये अजीब है, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक एग्जीक्यूटिव बनना चाहती हो। मैं चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती तो थी। देखो, मुझे याद है जब तुम हमारी कंपनी में पहली बार आई थी, तब तुम बस एक स्टूडेंट थी, लेकिन मैं तुम्हारी जिज्ञासा से बहुत खुश हुआ था और मुझे पता था कि तुम बहुत कामयाब बनोगी। इसीलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सुनो, क्या तुम्हारी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, या तुम्हारे सहकर्मियों के साथ कोई परेशानी? नहीं, 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 नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि लोग बदल जाते हैं। सुनकर बुरा लगा। चलो ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन है। क्या तुम कल बोर्ड के लिए एक प्लान प्रोजेक्ट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकती हो। शुक्रिया स्टेसी, तुम जा सकती हो। शुक्रिया मिस्टर रीटर। या गुड डे। मैंने मना कर दिया।
अच्छा है तुम्हारे लिए, ये सही डिसीजन। क्या आपको मेरी जरूरत है? मुझे एक जरूरी प्रेजेंटेशन खत्म करना है। ओह, बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम अब भी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकती हो। इससे आपका क्या मतलब? तुम एक नकली प्लान दिखाना और हम दोनों मिलकर तुम्हारे बनाए हुए प्लान को प्रेजेंट करेंगे। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगी तो एग्जीक्यूटिव सीट तुम्हारी है। आप ऐसा क्यों मैं कर रहे हैं? मैं इस प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर की कुर्सी पर और बैठना नहीं चाहता। मेरे सीईओ बन जाने से यहाँ चीजें बहुत बदल जाएंगी। लेकिन मिस्टर रीड हम पर भरोसा करते हैं, हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना। मिस्टर रीड हम पर भरोसा करते हैं? तुम्हें ये सब मुझे अपनी स्पाइसी पिक्चर भेजने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो इस ऑफिस के हर कोई, यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसे देख लेंगे। तो अपना समय बर्बाद मत करो, तुम्हें कल के लिए बहुत तैयारी करनी है, हम सब की तरह, है ना? वेल, जस्टिन और तुम्हारी कोलीग बहुत देर कर रहे हैं। मजाक है क्या? वो मेरी कोलीग नहीं है। क्या क्या है ये सब? शायद वो इस पद की जिम्मेदारियां और मेरे रोज के डिसीजंस को देखकर डर गई होगी। वाओ, वेल, ये बहुत बुरा हुआ। मैं बस चाहती थी कि हमारे मैनेजमेंट में एक और महिला हो। जो भी हो, लेकिन उसने उस प्लेन में चढ़ने से मना कर दिया। गाइस, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अगले क्वार्टर के खर्चों को लेकर बहुत चिंता में हूँ। नंबर्स, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, वो नंबर्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे शक है कि डस्टिन आपके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो कंपनी के पैसों को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर मैं सीईओ होता तो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देता। कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्टेसी और मैंने एक अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट तैयार किया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड डे डस्टिन, गुड डे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेसी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपके सामने अगले क्वार्टर का फाइनेंशियल प्लान प्रोजेक्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो पैसे हैं जो हमने प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किए थे, नए इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए, प्रचार के लिए और उसके अलावा बाकी सब चीजों के लिए। अगर आप रिक्वेस्ट किए गए राशि को देखते हैं और फिर डिपार्टमेंट को मिलने वाले राशि को गणना करते हैं तो पता चलता है कि इसमें 3 मिलियन गायब है, जिसका मतलब है कि वो किसी के जेब में गई है। स्टेसी, ये नंबर्स तुम्हें कहां से मिले? एक मिनट, क्या कोई अंदाजा है कि वो इंसान कौन है? स्टेसी, क्या तुम जानती हो कि कंपनी का पैसा कौन चुरा रहा है? मुझे माफ कर दीजिए। स्टेसी, इस सवाल का जवाब दो। एक सेकेंड बॉस। स्टेसी, इस सवाल का जवाब दो। देखिए, ये वो फोटो है जिससे जैक स्टुअर्ट मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये गलती से उनके पास पहुंच गया, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल करके मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश की। पहले उन्होंने मुझे अपने ड्रीम पोजीशन को छोड़ने के लिए मजबूर किया और फिर वो चाहते थे कि मैं आप सबके सामने मिस्टर रीड को बदनाम करूं, उनका नाम खराब करूं सबके सामने, ताकि वो उनके पद में आ सके। ये सच नहीं है। चुप रहो जैक। स्टेसी, तुम बोलो। जब ये मेरी करियर की बात थी तो मैंने इस ब्लैकमेल को सह लिया अपने प्राइवेसी और डिग्निटी को बचाने के लिए, लेकिन मैं अपनी गलती की सजा किसी और को नहीं दे सकती। हाँ, मेरी रेपुटेशन किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। जैक, मैं तुम्हें अपना पार्टनर समझता था। हम अब भी पार्टनर्स हैं मेरे दोस्त। उसने खुद मुझे वो फोटो भेजी है।
ओके। उसका मकसद कुछ और था, लेकिन अब वो सबके सामने झूठ बोल रही है। तो तुम उन फैक्ट्स के बारे में क्या कहोगे जो तुम हमें प्रेजेंटेशन से पहले बता रहे थे कि मिस्टर रीड इस कंपनी का भविष्य दांव में लगा रहे थे? शायद मुझसे कुछ गलती हो गई। मैं इस कंपनी के हेड होने के नाते मिस्टर स्टीवर्ट को निकालने का वोट जारी करता हूं, जो इसके हित में है। स्टेसी, स्टेसी से क्या मतलब है? उसे वोट करने का कोई हक नहीं है। उसे अब हक है, क्योंकि अब वो इस प्रोजेक्ट की लीडर है और तुम्हें निकाला जाता है। और अगर तुमने इस फोटो को शेयर किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। अब जाकर अपना सामान बांध लो। लियम, वेंडी, देखो, हमें बहुत बुरा लगा कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा। मैं जानती हूँ कि सब मेरी बात से सहमत होंगे कि ऐसे हालत में तो क्या अब हम असली रिपोर्ट की बात करें? ये अच्छा आइडिया है। हाँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा है।